ब्लॉक वन के साथ किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 3 लाख तक के कर्ज पर ब्याज में 2% की छूट। सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाया, रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 तक का लोन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में आया डीजीसीए, विमान कंपनियों को बीच की सीट खाली रखने का फरमान। लद्दाख में एलएसी पर तनातनी की खबरों के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरा, पूछा घुसपैठ पर चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली समारोह को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित, कोरोना संकट के दौर में डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों की सराहना की। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 93 पुलिसकर्मी संक्रमित, 1 की मौत। प्रदेश में महाराष्ट्र पुलिस में संक्रमण का आंकड़ा 1514 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में 3 जून से मिलेगी अनलॉक 1 की रियायतें, आज सड़कों पर दिखी सामान्य आवाजाही। महाराष्ट्र में 5 जून से शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, 8 जून से 10% क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर। महाराष्ट्र सरकार ने सीरियल और फिल्मों की शूटिंग को भी दी इजाजत, कड़ी शर्तों का करना होगा पालन। मशहूर संगीतकार वाजिद खान की कोरोना से मौत, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हुए थे संक्रमण के शिकार। मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में हुआ वाजिद खान का अंतिम संस्कार, लॉकडाउन की शर्तों के चलते चुनिंदा लोग शामिल हुए। मुंबई के सायन इलाके में सुबह के वक्त लगा भारी जाम, सब्जी से लदे ट्रकों की कतार के चलते रास्ते बंद। पुणे में 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान बढ़ गया अपराध, पुलिस के मुताबिक साइबर क्राइम के मामलों में 10% उछाल। अरब सागर में उठ रहा है निसर्ग तूफान, 3 जून को पश्चिमी तट पर दे सकता है दस्तक। महाराष्ट्र गुजरात के तटीय इलाकों को खाली कराने की कवायद शुरू, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। अनलॉक 1 की शुरुआत में दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी बवाल, डीएनडी फ्लाईओवर पर सुबह से शाम तक भारी जाम। अनलॉक 1 में भी दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर हैं सील, दिल्ली से आने जाने वाले लोग परेशान। दिल्ली सरकार ने भी सील किए यूपी और हरियाणा से लगने वाले सभी बॉर्डर, फिलहाल 1 हफ्ते के लिए आदेश। दूसरे राज्यों से दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी एंट्री, 1 हफ्ते के बाद फैसले के लिए जनता से मांगी गई है राय। हरियाणा ने भी अभी भी सील कर रखी है दिल्ली से लगती सीमा, फरीदाबाद और गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा जाम, सिर्फ पास वालों को ही एंट्री। अनलॉक 1 में दिल्ली में खुले सभी बाजार, दुकानें खोलने का ऑड इवन सिस्टम भी खत्म। दिल्ली में आज से सैलून भी खुले, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में ऑटो ई रिक्शा में 1 सवारी की पाबंदी भी हटाई, सभी दफ्तर पूरी क्षमता से खोलने का निर्देश। दिल्ली में होम डिलीवरी के शर्त के साथ रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बरकरार रहेगा लॉकडाउन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कोरोना के दौर में दिल्ली के अस्पतालों में हो सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज, जनता से मांगी है राय। इलाज के इंतजाम पर झूठे वादों का आरोप लगाकर बीजेपी ने किया केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, मनोज तिवारी समेत कई नेता हिरासत में। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल को कहा तुगलक, अस्पतालों में दिल्ली वालों के इलाज और बॉर्डर सील करने के आदेश पर घेरा। 2 महीने के लॉकडाउन से दिल्ली में सेकेंड हैंड कार मार्केट की हालत खस्ता, बाजार खुलने पर भी नहीं मिल रहे खरीददार। दिल्ली में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लाखों की लूट, बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। दिल्ली में पाकिस्तान के 2 जासूस गिरफ्तार, मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल सेल ने जाल बिछाकर दबोचा। देशभर में आज से 100 जोड़ा ट्रेनें दोबारा पटरी पर आई, नई दिल्ली स्टेशन से ऊना के लिए जनशताब्दी ट्रेन रवाना। स्टेशन पर सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को दी जा रही है एंट्री, साफ सफाई का खास ख्याल। स्टेशन की बेंच पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम, सैनिटाइजर डिस्पेंस्ड मशीनें लगाई गई हैं। 200 ट्रेनों की खेपे, पश्चिम बंगाल में भी रेल सेवा शुरू, हावड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हुई पहली ट्रेन। मुंबई में प्रवासी मजदूरों को अभी भी घर वापसी का इंतजार, सीएसटी स्टेशन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए यात्रियों की लंबी कतार। प्रयागराज में गंगा दशहरा पर उमड़ी भीड़, संगम में डुबकी लगाने के फेर में धरा रह गया 2 गज की दूरी का नियम। मुरादाबाद में भी गंगा में डुबकी लगाने के लिए उमड़ी भीड़, पुलिस वालों ने वापस लौटाया। फरुखाबाद में गंगा में डुबकी लगाने पहुंची हजारों की भीड़, आस्था के आगे पुलिस रही बेबस।
कोलकाता में आज से धार्मिक स्थल खुले, मंदिरों में दर्शन शुरू, चर्च में भी साफ सफाई के बाद प्रार्थना की तैयारी। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह खोलने की तैयारियां शुरू, दरगाह पर जलाए गए हैं 21,000 चिराग। गुजरात में अनलॉक वन के साथ रियायतों का नया दौर, राज्य परिवहन निगम की बसें शुरू। अहमदाबाद में अनलॉक वन के पहले दिन दिखी रौनक, जलेबी फाफड़ा की खुली दुकानें। अहमदाबाद में सड़कों पर उतारे गए 86 आरोग्य रथ, मामूली बीमारियों के लिए लोगों को घरों में ही मिल रहा है इलाज। रियायतों के दौर में 72 दिन के बाद खुली सूरत की मशहूर कपड़ा मंडी, अरसे के बाद दिखी चहल पहल। सूरत में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, कांग्रेसी पार्षद पर आरोप। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही, कोरोना से मरने वाले के अंतिम संस्कार के बाद परिवार मिला परिजन के स्वस्थ होने का परिवार को मिला है संदेश। अहमदाबाद में एक कंपनी की गेट पर सैनिटाइजेशन के दौरान हादसा, बाइक में लगी आग। शॉपिंग मॉल और धर्मस्थलों को छोड़ खुल गया पूरा राजस्थान, सड़कों पर चहल पहल, पर्यटन स्थल पर शुरू हुए रंगारंग कार्यक्रम। राजस्थान में अनलॉक वन के साथ ही कई इलाकों में जश्न, पाबंदियों में रियायत से लोग दिखे खुश। राजस्थान की पाली से अस्थि विसर्जन के लिए चली विशेष बस, परिजनों के अस्थि कलश लेकर 24 यात्री हरिद्वार रवाना। अमृतसर से आज 2 ट्रेनें रवाना, लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों लोग घर वापसी के सफर पर निकले। आज रवाना होने वाली रेलगाड़ियों में से 10 ट्रेन चंदौली के डीडीयू जंक्शन से गुजरेंगी, यात्रियों के थर्मल चेकिंग के लिए कई जगहों पर इंतजाम। 68 दिनों के बाद बिहार के रक्सौल से दिल्ली के आनंद विहार के लिए पहली ट्रेन रवाना, 932 यात्री सवार। कोटा से दिल्ली के लिए जनशताब्दी ट्रेन रवाना, भरतपुर स्टेशन से 162 यात्री सवार। लखनऊ से दिल्ली के लिए गोमती एक्सप्रेस रवाना, औरैया स्टेशन से 160 यात्री सवार। अनलॉक वन के साथ कई राज्यों में एक जिले से दूसरे जिलों में बस सेवा शुरू, केरल के तिरुवनंतपुरम से थम्पानूर के लिए रवाना हुई बस। यूपी में भी आज से बस सेवा शुरू, गाजियाबाद बस अड्डे पर दिखी चहल पहल। हिमाचल प्रदेश में भी बस सेवा शुरू, लेकिन सवारियों की तादाद बेहद कम। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से काम पर जाने वाले परेशान, हुगली से 20 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर कोलकाता पहुंच रहे हैं लोग। बिहार के गया में भगवान भरोसे शुरू हो गई बस सेवा, सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर बसों की छत पर सवारी करते दिखे लोग। यूपी में 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं सरकारी दफ्तर, अलग अलग शिफ्ट में बुलाए गए कर्मचारी। यूपी के सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक, अनलॉक 1 में आगे की रणनीति पर चर्चा। वाराणसी में एसएसपी दफ्तर को किया गया सील, एक पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कार्रवाई। कानपुर में जमातियों के इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो वायरल। सुल्तानपुर में कोरोना की दहशत से एक शख्स ने की खुदकुशी, रेलवे ट्रैक के पास मिली लाश। अनलॉक वन के पहले दिन महोबा में लौटी रौनक, सड़कों पर दौड़ी रोडवेज की बसें। बांदा में एक शख्स की मौत से प्रशासन में हड़कंप, परिवार का दावा 5 दिनों से नहीं मिला खाना। अमेठी में छिड़ा सियासी पोस्टर वॉर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गायब होने के लगे पोस्टर। हरियाणा के फतेहाबाद में बिना बारी के दुकान खोलने वालों का कटा चालान, मास्क के बगैर घूमने वालों पर भी कार्रवाई। पटना में महावीर मंदिर ने किया भीड़ से बचने का अनूठा प्रयोग, नाम के पहले अक्षर के मुताबिक तय होगा दर्शन करने का दिन। हाथ गाड़ी के सहारे हैदराबाद से मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचने वाले मजदूर को अभी भी मदद का इंतजार, राहत के नाम पर मिला सिर्फ 15 किलो चावल। मध्य प्रदेश में अनलॉक वन के साथ मिली ढेरों रियायतें, राजधानी भोपाल में खुले बाजार। मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू भी जारी। एमपी के देवास में गेहूं बेचने के लिए लाइन में लगे किसान की मौत, लंबे इंतजार के दौरान पड़ा दिल का दौरा। होशंगाबाद में नर्मदा में बहे 5 लोग, गंगा दशहरा के मौके पर डुबकी लगाने के दौरान हादसा। अनलॉक वन के पहले दिन अमृतसर में खुलने लगे बाजार, और इवन के आधार पर दुकानें खोलने की इजाजत। अनलॉक वन के पहले दिन चंडीगढ़ में सड़कों पर बढ़ी भीड़, प्रमुख चौराहों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। पंचकुला में खुलने लगे हैं दफ्तर, ए और बी कैटेगरी के हर अफसर को दफ्तर आना जरूरी। लखनऊ में बसों की आवाजाही शुरू, कैसरबाग बस अड्डे से चली कई बसें। चेन्नई में भी खुल गए बाजार, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर। छत्तीसगढ़ के कोरिया में टिड्डी दल के पहुंचने से हड़कंप, दवा के छिड़काव में जुटा हुआ है प्रशासन। जैसलमेर में टिड्डी दल का नए सिरे से हमला, शहर के आसमान पर बादलों की तरह छाया टिड्डियों का झुंड।
जयपुर में टिड्डियों से निपटने में प्रशासन ने झोंकी ताकत, फायर ब्रिगेड से किया जा रहा है स्प्रे। हाथरस में टिड्डियों के पहुंचने की आशंका से किसान परेशान, थालियां और शंख बजाकर भगाने की तैयारी। फरीदकोट में टिड्डियों के हमले की आशंका के चलते प्रशासन ने की मॉक ड्रिल, गाड़ियों के सायरन से शोर और फायर ब्रिगेड से स्प्रे का किया अभ्यास। देश के कई हिस्सों में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, मुंबई में भी सुबह सुबह जमकर बरसे बादल। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक, पूरे राज्य में कई जगहों पर जोरदार बरसात। कोझिकोड में छाए गहरे बादलों के चलते दिन में छाया अंधेरा, मौसम की पहली बारिश में तर हुआ शहर। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र दमन द्वीप तक पहुंचेगा मॉनसून। उत्तर भारत में कई जगहों पर प्री मॉनसून बरसात, हरियाणा के भिवानी में खुले में रखी है हजारों क्विंटल गेहूं, सरसों की फसल बर्बाद। गुरुग्राम से पिता को साइकिल पर लेकर दरभंगा पहुंची ज्योति कुमारी की मदद के लिए उठे हाथ, फार्मा कंपनी मैनकाइंड ने दी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए नेवी का रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन सेतु जारी, कोलंबो से 700 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ INS जलाश्व। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, समारोह में उमड़ी भीड़, खुलकर नाच गाना। पंजाब के बरनाला में 7.5 करोड़ की हेरोइन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। और अमृतसर में 2 ट्रक तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन के साथ करीब 5 लाख कैश और पिस्तौल बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।